जिले के बेडन थाना क्षेत्र के बलियरी गांव में किराना दुकानों में भी हो रही है अवैध शराब की बिक्री। अबकारी विभाग एवं बेडन पुलिस बनी है अनजान। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शराब माफियाओं पर लगाम कसने के लिए नए नए कठोर नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन सिंगरौली जिले में इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। बेडन थाना क्षेत्र के बलियारी वार्ड के अंतर्गत किराना दुकानों में भी शराब की बिक्री हो रही है। स्थानीय महिलाओं एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह एनटीवी टाइम को जानकारी देते हुए बोले कि यहां पर अवैध शराब की लगातार बिक्री हो रही है, जिससे मोहल्ले की लड़कियां एवं महिलाएं असुरक्षित है। इस संबंध में बेडन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह ने अवैध शराब की बिक्री पर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने बताया कि हम लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। शरारती तत्वों के द्वारा हमेशा उल्टी सीधी बातें की जाती है, इसलिए हम लोग घरों में रहने के लिए विवश है। आगे देखना होगा अबकारी विभाग एवं बेडन पुलिस क्या कार्यवाही करती है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई। आपको क्या प्रॉब्लम ऐसी पड़ी कि आप थाने आए हैं? हमारे मोहल्ले में शराब का दुकान और ताश जुआ होता है। हम लोग परेशान हैं, हमारे लड़के बच्चे एकदम परेशान हैं। घर से बाहर हम लोग निकल नहीं पाते हैं। अब मना करते हैं तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एकदम वहाँ पे अच्छे खाने वगैरह सब एकदम खाने हम रोकते हैं। क्या वहाँ पे लोग नशा पत्ती करके आपके साथ अभद्रता से बात करते हैं? निकलने लायक नहीं है। आपका नाम क्या है? फिरदौस अहमद नाम है मेरा जी। अशोक साहू के घर के सामने बिल्कुल मेरा घर है। वहाँ किराने का दुकान खुला है। किराने का तो कोई सामान नहीं बेचता है, खाली शराब का काम करता है बस। अवैध रूप से शराब वहाँ अवैध रूप शराब का काम करता है। वहाँ लेडीजों का निकलना एकदम दुभर हो गया। अगर निकलती भी तो उन लोग अभद्रता से पेश कर आते हैं। गाली गलौज मारपीट हमेशा चलता रहता है। ताश वगैरह जुआ मतलब 24 घंटा वो अड्डा बन गया है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, भट्टी जो बोलते हैं वो भट्टी बन गया वहाँ से। बगल में स्कूल है, स्कूल से 50 मीटर दूर भी नहीं है। बगल में स्कूल है, बगल में स्कूल है, स्कूल से 50 मीटर दूर नहीं है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन वहाँ नहीं ध्यान नहीं दिया। उल्टा मेरू पर कंप्लेन लोग करते हैं कि हम छेड़छाड़ किए थे। हम जब यहाँ कंप्लेन किए हैं तो उसके खिलाफ में हमारे ऊपर कंप्लेन कर दी कि हम छेड़छाड़ किए, झूठी शिकायत कर दी। आप जैसे अभी आए हैं थाना में, क्या रिपोर्ट लेके आए हैं सर? वार्ड क्रमांक 39, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल बैठन का अध्यक्ष हूँ और हमारे मंडल के अंतर्गत 14 वार्ड हैं। हम मंडल की बैठक लेने, वार्डों की बैठक लेने गए थे वार्ड क्रमांक 39 में, जहाँ पर माताएँ थीं, बहनें थीं और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। उनका यह कहना था कि यहाँ पर 4-5 जगह अवैध रूप से बहुत तेज़ी से शराब की बिक्री हो रही है। और माताएँ बहनें का यह भी कहना है कि हम लोग भय के कारण हर एक चौराहे पर जो शराबी हैं वो भीड़ में वहाँ पर भारी संख्या में रहते हैं, जिससे भय के कारण हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। और वहाँ पे जगह जगह पर जुआ भी खिलाया जा रहा है कुछ लोगों के हिसाब से।